हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी बेसिक पीरियड में हम लोग 12 खड़ी पढ़ने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और पढ़ाई का आनंद उठा रहे होंगे। विद्यार्थियों, हिंदी की ध्वनियाँ, उसके अक्षर, उसकी मात्राएं, इन सब की जानकारी एक विद्यार्थी को, हिंदी के विद्यार्थी को अवश्य होनी चाहिए। उनको अगर जानना है, समझना है, सीखना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है 12 खड़ी, अर्थात अक्षरों के ऊपर, वर्णों के ऊपर मात्राओं को कैसे लगाएंगे और कैसे उसका उच्चारण करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। आज हम सब 12 खड़ी पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको मात्रा ज्ञान देने वाला हूं और जो क से लेकर ज्ञ तक हमारे अक्षर हैं, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, उन पर स्वर अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ ओकार री, इन स्वरों को हम लगाकर देखेंगे कि कैसे लगाया जाता है, कहाँ छोटी कहाँ बड़ी, इनका प्रयोग हम सीखेंगे। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने वहां पे वर्णमाला सिखाई है और वर्णमाला में मैंने इन अक्षरों की जानकारी दी थी। आज मैं 12 खड़ी आपको सिखाना, तो आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आइए पहले स्वरों को लिखते हैं, उसके बाद हम उनके चिन्हों को लिखते हैं और उसके बाद हम जो व्यंजन है उनके मात्रा को लगाकर देखते हैं। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा बड़ी जिसे कहते हैं, ऊ की मात्रा जिसे आप छोटा ऊ कहते हैं, ऊ की मात्रा जिसे आप बड़ा ऊ कहते हैं, आ ई ई ऊ ए छोटा ए कहा जाता है, ऐ ओ औ अउ अह री, इन्हें आप क्या कहते हैं? ये स्वर कहलाते हैं। अब इनके चिन्हों को देखते हैं, अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ औ आ री। अब इनके चिन्हों को हम लोग देख लेते हैं, तो चिन्ह क्या होते हैं और कैसे उनको हम लिखा करते हैं, कैसे उनको जाना करते हैं। इस रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाते हैं, लेकिन जब व्यंजन के साथ मिलते हैं, जिसे आप क का ग कहते हैं, उनके साथ जब उनको लगाया जाता है, उनके उनके साथ उपयोग कराया जाता है, में नहीं होता है, तो उनकी चीज होते हैं। आपको मैंने जब पिछले वीडियो मैंने बनाया था वर्णमाला का, तो वहां पे मैंने बताया हुआ था कि अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, वहां पे उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, हर व्यंजन में वह लगा होता है जिसका चिन्ह नहीं है। आपकी मात्रा जो हमारा व्यंजन है, क से लेकर ज्ञ तक, उसमें हम व्यंजन के ठीक बाद एक खड़ी पाई खींच देंगे, तो वह हमारी आपकी मात्रा होगी। जो हमारा व्यंजन है क से लेकर ज्ञ तक, उसके ठीक पहले से इस तरह से एक लग्गी लगा देंगे, बहुत छोटी ही होगी। व्यंजन यानी क से ज्ञ तक के बाद कोई भी अक्षर लीजिए, उसके बाद अगर आपने इस तरह का चिन्ह लगाया, वह काफी बड़ी ई हो गई। यह बड़ी ई का हमारा चिन्ह हुआ करता है। इसके बाद छोटा ऊ, छोटा ऊ अक्षर के नीचे से इस तरह से अगर आप लिखते हैं, तो छोटा ऊ है। बड़ा ऊ अक्षर के बाद आप यह चिन्ह लगाएंगे, यह बड़े ऊ का चिन्ह है, बड़े ऊ की मात्रा है। अक्षर के ऊपर, अक्षर मतलब किस तरह, अक्षर का मतलब क्या है, क्या से लेकर ज्ञ तक के हमारे जितने व्यंजन है, वे हमारे अक्षर कहलाते हैं। यह ए की मात्रा में, ए की मात्रा ऊपर से किसी भी वर्ण के ऊपर, किसी भी व्यंजन के ऊपर यह आप लगा सकते हैं, तो वह ओ की मात्रा आपकी ए की मात्रा होगी। ओ की मात्रा देखते हैं, ओ की मात्रा अक्षर के ठीक आगे
इस तरह से अगर आप लगाते हैं तो अब ओ की मात्रा होगी, औ की मात्रा, यह हमारी औ की मात्रा लगती कहां है, इसी अक्षर के ठीक बाद, औ की मात्रा। अं की मात्रा किसी अक्षर के ऊपर अभिव्यक्ति आपने लगा दी थी, आपको क्या लगे, अं की मात्रा। अं की मात्रा किसी व्यंजन के बाद अगर आपने दो डॉट लगा दिए वह अब की मात्रा होती है। री की मात्रा, री की मात्रा किसी भी व्यंजन के नीचे आपने इस तरह से लिख दिया मात्रा लगाई वह अब ई की मात्रा है। यह जो है स्वर है और यह उसके चिन्ह है, इनका उपयोग हम जब क से लेकर ज्ञ तक के व्यंजनों को लिखते हैं मात्रा लगाते तब इनका उपयोग करते हैं और एक अभी स्वतंत्र रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। आइए हम लोग व्यंजनों के ऊपर क्या से लेकर ज्ञ तक के ऊपर हम लोग इस बात से बाहर का ही कहा जाता है और इसका उपयोग हम क से लेकर ज्ञ तक के अक्षरों में करते हैं। इसे पढ़ते कैसे, देखते हैं तो सबसे पहला व्यंजन होता है हमारा क। अब क में अ की मात्रा लगानी है तो अ क्या है, उसकी कोई मात्रा कोई चिन्ह नहीं होता है, वह क से लेकर ज तक, क से लेकर ज तक जितने अक्षर हैं उन सभी में अ की मात्रा लगी होती है। क्या से लेकर ज्ञान तक के जितने व्यंजन है अ की मात्रा वहां पे लगी होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था जब आप बोलते हैं क तो देखिए क के बाद अ का उच्चारण हो रहा है, क च ल, क का मतलब हो गया क, उसके नीचे अलंग, इसे आप अलंग कहते हैं, जिस व्यंजन के नीचे अक्षर आ गया चिन्ह आ गया वह आधा हो जाता है, उसकी कीमत आधा है। कर का मतलब का किससे बना है, कर धन अ से, यह आधा कहलाता है और यह आपका स्वर अ है, इसका आपका कोई चिन्ह नहीं, कर से लेकर ज तक हर एक व्यंजन यह समाहित होता है। यह आपने पढ़ा हुआ है पिछले वर्णमाला के हमारे वीडियो में तो आपको आता होगा। अब आगे चलते हैं तो क के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब क्या नहीं हम अ की मात्रा लगाएंगे, मतलब क लिखा और उसी के आगे यह चिन्ह लगा दिया, यह तीसरा बन गया चिन्ह, यह क्या बन गया, यह बन गया हमारा का, क से इसका उच्चारण हो गया का, यह मात्रा लगी तो आ का उच्चारण होगा, मुंह खुल जाएगा। अब क लिख दिया, अब क में एक छोटी की मात्रा लगा दी है तो इस अक्षर के ठीक पहले से आएगा, यह हमारी छोटी की मात्रा, यह कहलाएगा की, धीरे से बोलेंगे की। अब क में अगर हम बड़ी की मात्रा लगाने जा रहे हैं, क लिखा और क के आगे से हम फिर यही चिन्ह लगा देंगे तो हमारी बन गई बड़ी ई की मात्रा, तो इसको पढ़ेंगे की, की, की। अब छोटे उ की मात्रा या उ की मात्रा जब इसको बोलते हैं आप तब वहां बड़े धीमे से बोलते हैं उ, जैसे उठ, लेकिन जब कहते हैं ऊट तब बड़ा उ होता है, तो लगाते हैं कापे छोटे उ का प्रयोग करते हैं। हमने क्या लिखा अक्षर के ठीक नीचे से ओ लगा दिया तो यार हमारा छोटे के ऊ की मात्रा हो गई। ओ का लिखा उसके ऊपर बड़े ऊ की मात्रा, मतलब का जो अक्षर है नीचे से चिन्ह लगा देंगे। अब ए की मात्रा, ए की मात्रा कैसे लगाएंगे, अक्षर के नीचे ऊपर आगे या पीछे, हम वहां पे उसी अक्षर के ऊपर लगाएंगे। का लिख दिया, अगली मात्रा है ए की मात्रा। अब ए की मात्रा कैसे लगाएंगे, अपना जो व्यंजन है का पहले लिखा उसके ठीक ऊपर यह चिन्ह आपने लगा दिया तो वह हो गई ए की मात्रा, व्यंजन के ऊपर यह लगता है
ए की मात्रा किसे कहते हैं। अब ए की मात्रा वह कैसे लगेगी, व्यंजन लिखा आपने, व्यंजन के ऊपर आप यही चिन्ह लगा लीजिए क्या आपकी ए की मात्रा हो गई। अब इसके बाद ओ की मात्रा व्यंजन लिखिए, व्यंजन के आगे से, व्यंजन के आगे से यही चिन्ह आप लगा दीजिए आपकी ओ की मात्रा हो गई। अब औ की मात्रा, औ की मात्रा में व्यंजन लिखिया, व्यंजन के ठीक आगे आप यह चिन्ह लिख लीजिए औ की मात्रा हो गई। तो दोनों की ध्वनियों में अंतर होना चाहिए, ओ कौ ओ आराम से है, कौ जोर से है, उसी तरह के कै इसमें जोर लगता है। अंग की मात्रा व्यंजन के ऊपर यह चिन्ह लगा दीजिए, यह अंग की मात्रा होती है। और अ की मात्रा कहाँ लगती है, व्यंजन के ठीक आगे दो डॉट लगा दीजिए, वह आपकी अंग की मात्रा होती है। री की मात्रा, री की मात्रा व्यंजन के ठीक नीचे लगती है। यह हमारी 12 कड़ी कहलाती है। पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते हैं तत्का की कुकू के को इस तरह से यह पढ़ा जाता है, इसी तरह से इसका उच्चारण किया जाता है। चलिए कमे के बाद का गधा इस तरह से कर सकते हैं, छह बार को लेते हैं, छह बार में कैसे आप मात्रा लगाएंगे। तो चमे पहला जो आपका अक्षर है हमने लिया चल, उस पे आ की मात्रा लगानी थी, मैंने अभी अभी बताया कि उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगेगी, आ की मात्रा का कोई चिन्ह नहीं होता है। अब आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनेगा, वह बनेगा चा। और ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, ची। बड़ी की मात्रा ची, और ऊ की मात्रा चू, ऊ की मात्रा चू, ए की मात्रा चे, ऐ की मात्रा चाय, ओ की मात्रा चो, औ की मात्रा चाओ, चो और चाओ दोनों में अंतर होता है। अं की मात्रा च, चन, सॉरी चन, और अह की मात्रा च, और रि की मात्रा श्री। इसी तरह से अगर क वाले वर्ग में आ जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पे टपे लगा के देखिए, टपे अ की कोई मात्रा नहीं होगी, आ की मात्रा क्या होगी ता, ई की क्या मात्रा होगी टी, बड़ी की मात्रा टी, छोटे ऊ की मात्रा टू, बड़े ऊ की मात्रा टू टू टू। इसके बाद ए की मात्रा टे, ऐ की मात्रा टै, ओ की मात्रा टो, औ की मात्रा टाओ, अंग की मात्रा टंग, अह की मात्रा टह, और री की मात्रा त्री। इस तरह से हम व्यंजनों के ऊपर मात्रा लगाया करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझा होगा। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है वह देखते हैं, इनमें इनमें क्या फर्क है वह देखते हैं, इनमें इनमें क्या अंतर है वह देखते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों में क्या अंतर है वह देखते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पे देखेंगे तो इनमें जिन ये सभी आप देखेंगे तो पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा,
कुछ विशेषताएं, जैसे इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है सभी में एक कॉमन विशेषता है। पहली कॉमन विशेषता है कि पहला जो अक्षर है धीमे से बोला जाता है, पहला अक्षर धीमे से बोला टी टू टे टो टल, ये पहला अक्षर धीमे से बोला। दूसरी विषय अब दूसरा क्या है उसका उल्टा होगा, वह क्या है तो दूसरा अक्षर बोल के देख लीजिए ता टी टू टे टो टंग, दूसरा जोर से बोलना पड़ता है। लेकिन इसमें एक चिन्ह होता है
अब एक चिन्ह दो चिन्ह में का फंडा क्या है, या एक हुआ या दो चिन्ह हुए, या एक चिन्ह हुआ या दो चिन्ह, या भी ऊपर लगा है ये भी आगे ही लगेगा चल के, लेकिन इसमें एक चिन्ह रहेगा इसमें दो चिन्ह रहेंगे। वही चीज यहाँ भी है, यहाँ पर फर्क नहीं है, यहाँ भी दोनों या ऊपर लगेगा या आगे लगेगा। तो पहला जो है वह अक्षर के ऊपर ऊपर लगाएंगे और इसे जो है अक्षर के आगे लगाएंगे। यह बेचारा तो अकेला है, इसकी कोई विशेषता नहीं। तो उम्मीद करूंगा इस तरह से आप इसको पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे। आपको हिंदी लिखना और बोलना बड़े अच्छे से आएगा। पढ़ने में इसको लय और ध्वनि गीत संगीत से बच्चे पढ़ते हैं, आराम से बोलते हैं। तब क्या किक्की कुक्कू के कह को कह कंका, इसके बाद कका किक्की कुक्कू के कह को कह कंका, गगा गिगी गुगू के गह को कह गंगा, इस तरह से बोला जाता है। आपके मन में एक प्रश्न निश्चित तौर पे उठ रहा होगा कि सर का वाले में आता है अंतिम में अंगा, इसी के बाद च वाले में आता है शून्य, और त वाले में आता है ड। तो इनमें से इसी तरह से न त वाले में आता है न और त वाले में आता है म, इन्हें हम अनुस्वार या अनुनासिक कहते हैं। इनमें से ये जो है दो, इनके ऊपर ये मात्राएं नहीं लगती है, या इसी रूप में रहेंगे या आधे अक्षर फलन के रूप में रहते हैं, या तो इस रूप में रहेंगे या फिर या आधे अक्षर के रूप में रहेंगे। इसके अलावा इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसमें आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा में इसमें लगा सकते हैं। आ की मात्रा जैसे प्रणाम आप लगाते हैं आराम से होता है, ग्रह की मात्रा आ की मात्रा बराबर, इसी तरह से नाम है सारी मात्राएं आप लगा सकते हैं, नन्ना नन्नी नन्नू नैना ऐसा होता है, माँ में भी इसी तरह मामा माँ लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में आप यह मात्रा नहीं लगा सकते हैं। तो विद्यार्थियों क्या उम्मीद करूं, यह इस तरह से पढ़ाना इस तरह से समझाना आपको समझा होगा, 12 कड़ी आपको आ गई होगी, कैसे लेकर ज्ञान तक के जितने व्यंजन हैं उनके ऊपर आप सभी अपने मन से जो आपके स्वर की मात्राएं हैं इन चिन्हों का प्रयोग करके लिखेंगे और गाएंगे भी। कक्का किक्की कुक्कू के कह को कह कंका, निश्चित तौर पे आपको आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करूंगा कि मेरा यह वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियोज की तरह आपको खूब पसंद आए, आपका ढेर सारा प्यार मुझे मिलेगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, मास्क पहनिए। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।